हेलो गाइस, वेलकम टू कलर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा और आज हम जो वीडियो बनाने वाले हैं, जिस चीज़ पर बात करने वाले हैं, वो ये कि 2021 की जो रिजल्ट आई है वो 2020 की रिजल्ट से किस हद तक सेम मिलती है या अलग है। और साथ में जो ये स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे कि 2021 में फिजिक्स की पेपर टफ आई थी और एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली काफ़ी स्टूडेंट्स के एग्जाम अच्छे नहीं गए हैं और इस वजह से जो इस बार की कट ऑफ है वो नीचे जाएगी, ये स्पेकुलेशंस आखिर कहाँ तक जा करके इन स्पेकुलेशंस की सच्चाई है। और ये जो है स्पेकुलेशन, ये वाकई में ही इस बार की कट ऑफ जो है वो लो जाने वाली है या फिर इस बार की कट ऑफ भी हाई जा सकती है 2020 के कंपैरिजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं टॉपर्स की। 720 में 720 स्कोर करने वाले 2020 में दो टॉपर्स थे। इस बार 2021 में तीन टॉपर्स हैं जिन्होंने 720 में 720 स्कोर किया है। एनटीए ने इस बार क्या किया कि टाई ब्रेकर क्राइटेरिया हुआ करती थी उसे हटा दिया है, तीनों ही टॉपर को रैंक वन दी गई है। राइट, तो 720 पे लास्ट ईयर भी रैंक वन बनी थी, 720 पे इस साल भी 2021 में भी रैंक वन बनी है। वहीं अगर बात करें रैंक 17 की तो 2020 में 710 रैंक पे रैंक 17 बनी थी। वहीं इस साल अगर देखें तो कंपटीशन थोड़ी ज्यादा है, कंपटीशन टाइट हुई, 715 मार्क्स पे रैंक 17 बनी। सिमिलरली अगर बात करें तो 710 मार्क्स पे 2020 में 710 मार्क्स पे रैंक 19 बनी थी, मगर इस साल 2021 में 715 मार्क्स पे रैंक 19 बनी है। उसी तरीके से अगर नेक्स्ट लेवल की बात करें तो 705 मार्क्स पे 2020 में रैंक 44 बनी थी और इस साल भी 705 मार्क्स पे ही रैंक 44 बनी है। तो ये फर्स्ट लेवल है जहां पे 2020 की रिजल्ट रैंक एंड मार्क्स और 2021 की रिजल्ट रैंक एंड मार्क्स बिल्कुल सेम है और वो है 705। ये फर्स्ट लेवल है, इन लेवल्स को आप याद रखिएगा क्योंकि इससे आपको आगे चलकर कुछ बातें मैं बताने वाला हूं। तो फर्स्ट लेवल है 705 मार्क्स की, जिसपे 2020 में भी 44 रैंक बनी थी और 2020-21 में भी 44 रैंक बनी है। राइट, उसके बाद आगे चलते हैं 695 मार्क्स पे 2020 में रैंक 153 बनी थी। वहीं अगर रैंक 153 की इस साल की बात करें 2021 में तो वो 700 मार्क्स पे जाके बनी थी। तो अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स जो हैं, उनमें एक कंपटीशन देखने को ये मिल रही है कि कहीं ना कहीं 2021 में टॉपर्स के बीच में और ह्यूज कंपटीशन रही, टाइट कंपटीशन रही है। अगर हम इवन 2020 से भी कंपेयर करें तो 2021 में जो टॉपर्स हैं उनमें ज्यादा कंपटीशन रही है, टाइट कंपटीशन रही है। सिमिलरली अगर 232 रैंक की बात करें तो 232 रैंक 2020 में 691 मार्क्स पे बनी थी, लेकिन इस बार 2021 में 696 मार्क्स स्कोर करने पड़े 232 रैंक रैंक ऑप्टेन करने के लिए। सिमिलरली 271 रैंक ऑप्टेन करने के लिए 2020 में 690 मार्क्स स्कोर करने पड़े थे, लेकिन 2021 में 695 मार्क्स स्कोर करने पड़े हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो 2020 में जितने मार्क्स स्कोर करने पड़े थे अभी तक के लेवल्स में, वो 2020-21 में और ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ रहे हैं उस रैंक को ऑप्टेन करने के लिए। ऑन एन एवरेज देखें तो 4 to 5 मार्क्स जो है वो ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑप्टेन करने पड़े हैं वो सेम रैंक ऑप्टेन करने के लिए जो 2020 में ऑप्टेन की गई थी एक लेवल पे जाकर के। ये हालांकि पूरी सिमिलर नहीं रहने वाली है, इसके बाद आगे हम देखते हैं 409 रैंक जो है वो 685 मार्क्स पर 2020 में बनी थी, लेकिन 2021 की बात करें तो 691 मार्क्स पे 409 रैंक बनी है। 1118 रैंक 2020 में 671 मार्क्स पे बनी थी, मगर 2021 में 676 रैंक पे बनी है। तो हम लगातार अभी तक जो है टॉपर्स के बीच की बात कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने पड़े 2021 में सेम रैंक ऑब्टेन करने के लिए जो 2020 में थी। उसी तरीके से अगर बात करें 2150 रैंक की तो 2150 रैंक इस बार जिस स्टूडेंट के आए हैं उन्होंने 665 मार्क्स स्कोर किए।
है, लेकिन अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो 661 मार्क्स पे 2150 मार्क्स स्कोर, 2150 रैंक जो है वो स्कोर हुई थी, और 2150 रैंक स्कोर करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए 2020 में 661 मार्क्स लाने पड़े थे, मगर इस साल 2021 में और ज्यादा मार्क्स लाना पड़ा है जो है 665। सिमिलरली जो सेकंड लेवल जाकर के जहां पे 2021 की रैंक और मार्क्स और 2020 की रैंक और मार्क्स मैच करती है, इक्वल है, वो है लेवल 3938 ऑल इंडिया रैंक, जो 2020 में भी 650 मार्क्स पे बनी थी और 2021 में भी 650 मार्क्स पे ही बनी है। अब ये लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, लेवल्स को आपको याद रखना है। ये लेवल 2 है 650 मार्क्स, लेवल 1 थी 705 मार्क्स जिसपे 44 रैंक बनी थी। उसी तरीके से सिमिलरली हम नीचे आएंगे तो 4022 रैंक जो बनी थी 2020 में वो 649 मार्क्स पे बनी थी, लेकिन इस साल 650 मार्क्स पे जाकर के 4022 रैंक बनी है। सिमिलरली 5000 रैंक की बात करें तो 2020 में 644 मार्क्स लाने पड़े थे 5045 रैंक लाने के लिए, लेकिन इस बार 645 मार्क्स लाने पड़े हैं 5045 रैंक लाने के लिए। तो सिमिलरली जो लेवल 3 है जहां पे जाकर के दोनों 2020 की रैंक और मार्क्स 2021 के रैंक और मार्क्स से मैच करती है, वो लेवल 3 है। जो लेवल 3 है अपनी, वो लेवल 3 है 5419 रैंक, 5419 रैंक। ये 5419 रैंक जो है ये ऑब्टेन करने के लिए 2020 में भी 642 मार्क्स लाने पड़े थे और 2021 में भी 642 मार्क्स ही लाने पड़े। तो ये है लेवल 3। तो इन लेवल्स को बताने का मकसद क्या है कि देखिए, यहां तक अभी तक जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि टाइट कंपटीशन रही है 2021 में रेदर देन 2020 के। 2020 में दो चार पांच मार्क्स कम लाने पड़े थे एक स्पेसिफिक रैंक को ऑब्टेन करने के लिए, मगर 2021 में दो चार पांच मार्क्स ज्यादा लाने पड़े हैं उसी सेम रैंक को ऑब्टेन करने के लिए। तो टॉपर्स के बीच में एक अच्छी खासी हेल्दी कंपटीशन रही है जैसा देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो लेवल चेंज होती है, यहां तक 7866 रैंक तक ऑलमोस्ट सेम मार्क्स पे 2020 और 2021 की जो रैंकिंग बनी थी वो ऑलमोस्ट सेम मार्क्स पे बनी थी। 7866 रैंक जो बनी थी वो 2020 में भी 632 मार्क्स पे बनी थी और 2021 में भी 632 मार्क्स पे ही बनी है। लेकिन इसके बाद से जो है वो थोड़ी सी टर्निंग पॉइंट आती है। वो टर्निंग पॉइंट क्या है कि इसके बाद से 2020 में ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करने पड़े थे और 2021 में थोड़ी सी जो है लीनियंसी वो देखने को मिली है। मतलब 9993 रैंक जो है वो ऑब्टेन करने के लिए 2020 में 625 मार्क्स लाने पड़े थे, लेकिन 2021 में 624 मार्क्स लाने पड़े। तो एक मार्क्स जो है उसकी लीनियंसी इस बार 2021 एग्जाम में देखने को मिली है एट 9993 ऑल इंडिया रैंक। सिमिलरली 10,000 रैंक की बात करें तो 10,608 रैंक जो है वो 2020 में ऑब्टेन करने के लिए स्टूडेंट को 623 मार्क्स लाने पड़े थे, लेकिन 2021 में 622 रैंक लानी पड़ी थी। उसी तरीके से आते हैं उस लेवल पे जो 15,700 का लेवल है। लेवल 15,700 जो है वो है ऑल इंडिया रैंक 15,700, जो 2020 में 610 मार्क्स लाने पड़े थे 15,700 रैंक ऑब्टेन करने के लिए, मगर 2021 में 608 मार्क्स लाने पड़े हैं। तो दो टू मार्क्स की जो है लीनियंसी 2021 में थोड़ी सी मिली है। अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया कोटा से जो गवर्नमेंट सीट मिलती है वो किस रैंक तक मिलती है। वो ऑलमोस्ट आपकी 16,000-17,000 रैंक तक जनरल कैटेगरी को या ओबीसी कैटेगरी को 16,000-17,000 रैंक तक वो मिल सकती है। ऑल इंडिया कोटा से सीट मिल सकती है और वो मार्क्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं 605-606 मार्क्स हो सकती है, मगर ये तब तक ही
ये जो मार्क्स है 605 एंड 606, ये मार्क्स पे इस बार भी मिल सकती है जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को गवर्नमेंट सीट, अगर ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होती है तब। अगर ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन इस बार नहीं होती है तो 606 605 तक कट ऑफ जा सकती है गवर्नमेंट कॉलेज की ऑल इंडिया कोटा से। लेकिन अगर ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन होती है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन के पक्ष में जाती है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको नुकसान होता हुआ दिखेगा। उनकी जो कट ऑफ होगी वो 612 613 तक जा सकती है, मगर वहीं पे एट द सेम टाइम ओबीसी कैंडिडेट्स को फायदा मिलता हुआ दिखेगा। उनकी जो कट ऑफ होगी वो कहीं ना कहीं 603 602 तक जा सकती है। तो ये लेवल्स जो है, इन लेवल्स को आप याद रखिए। इसी तरीके से सिमिलरली हम आएंगे, अगर 20,000 रैंक की बात करें तो 20,352 रैंक 2020 में 599 मार्क्स पे बनी थी, लेकिन इस बार 597 मार्क्स पे बनी है। सिमिलरली अगर हम देखें 30,000 रैंक की बात करें, 31,036 रैंक जो है वो 2020 में 579 रैंक पे बनी थी, लेकिन इस बार 575 मार्क्स पे बनी है। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन, वो 2021 में जो कंपटीशन है वो थोड़ी सी कम हुई है 2020 के कंपैरिजन में। सिमिलरली हम आगे बढ़ते जाएंगे, 50,000 की बात करें तो 51,003 रैंक 2020 में 547 मार्क्स पे बनी थी, मगर इस साल 543 मार्क्स पे बनी है। तो अगेन हम लीनियंसी देख रहे हैं, इस बार की जो कंपटीशन थी वो इस रैंक पे थोड़ी कम है, लास्ट ईयर थोड़ी ज्यादा थी, ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़े थे लास्ट ईयर 2020 में एज कंपेयर टू 2021 इस रैंक पे 51,003 रैंक पे। अब ये जो है सिनेरियो, ये फिर से चेंज कहां पे होती है, ये चेंज होती है 545 मार्क्स से। मतलब रैंक की बात करें तो 1,38,385 रैंक 2020 में 444 मार्क्स पे बनी थी, मगर इस बार फिर से यहां पे कंपटीशन आ गई। मतलब 545 के नीचे जो है वो वहां पे इस बार फिर से कंपटीशन ज्यादा हुई, टाइट कंपटीशन हुई, हेल्दी कंपटीशन हुई, स्टूडेंट को ज्यादा मार्क्स इस बार स्कोर करने पड़े। 1,38,385 रैंक ऑब्टेन करने के लिए इस साल 445 मार्क्स स्कोर करने पड़े स्टूडेंट को, जबकि 2020 में 444 मार्क्स ही स्कोर करने पड़े थे। सिमिलरली 1,51,752 रैंक स्कोर रैंक ऑब्टेन करने के लिए 2020 में 431 मार्क्स स्कोर करने पड़े थे, वही 2021 में 433 मार्क्स स्कोर करने पड़े। मतलब 2 मार्क्स इस बार ज्यादा स्कोर करने पड़े 1,51,752 रैंक ऑब्टेन करने के लिए। सिमिलरली 2,60,115 रैंक ऑब्टेन करने के लिए 2020 में 341 मार्क्स स्कोर करने पड़े थे, मगर इस बार 352 मार्क्स स्कोर करने पड़े हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं 11 मार्क्स ज्यादा है, 11 मार्क्स ज्यादा है। तो एक हेल्दी कंपटीशन 445 के नीचे स्टूडेंट्स को मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं जो इससे पहले जो थे, इससे पहले 445 के ऊपर जो स्टूडेंट्स थे उनको थोड़ी कम कंपटीशन देखने को मिली थी। अब मैंने आपको दो तीन लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स को देख लेते हैं। पहला लेवल मैंने आपको बताया था 705 मार्क्स पे, 705 वो फर्स्ट लेवल थी जिसमें 44 रैंकिंग बनी थी 2021 में भी 2020 में भी। अब इसमें क्या है कि हम जान रहे हैं, हमें पता है कि इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज इजिली मिलेगी, लास्ट ईयर भी मिली थी, इस साल भी मिलेगी, लेकिन इस साल उतने अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगी जितनी अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज लास्ट ईयर मिली थी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें
तो कॉलेजेस की अपॉर्चुनिटीज जो थी, अवेलेबिलिटी को, अच्छे कॉलेजेस की जो बेटर एक्सीलेंट जो टॉप के कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स की अवेलेबिलिटी थी वो लास्ट ईयर ज्यादा थी, इस साल कम है, क्योंकि एक हेल्दी कंपटीशन, टाइट कंपटीशन जो है वो 705 मार्क्स के ऊपर है। 705 मार्क्स के ऊपर जो 44 रैंक जो बनी है उसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको इस बार ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़े हैं। सिमिलरली अगर आप उसी तरीके से नीचे आओगे तो लेवल 2 है अपने पास, जो जहां पे जाकर के 2020 और 2021 इक्वल होती है, वो है 650 मार्क्स। 650 मार्क्स पे 3938 रैंक बनी इस साल, और 3938 रैंक बनी थी लास्ट ईयर भी। तो इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हेल्दी कंपटीशन है, टाइट कंपटीशन है। जितने अच्छे ऑप्शंस लास्ट ईयर अवेलेबल थे हो सकता है उनके सामने उतने अच्छे ऑप्शंस इस साल अवेलेबल ना हो। सिमिलरली हमारी जो लेवल 3 थी वो थी 5419 रैंक, विच इज 642 मार्क्स। 642 मार्क्स जो है वो हमारी लेवल 3 थी। लेवल 3 जो है उसके ऊपर हेल्दी कंपटीशन है, 642 मार्क्स के ऊपर हेल्दी कंपटीशन है। जो ऑप्शंस लास्ट ईयर अवेलेबल थे वो ऑप्शन इस बार अवेलेबल नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ज्यादा मार्क्स उसके ऊपर जो है वो ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स को स्कोर करने पड़े हैं 2021 में वो सेम रैंक ऑब्टेन करने के लिए। फिर उसके बाद 642 के बाद जब हम देखेंगे तो उसके बाद थोड़ी सी कंपटीशन लीनियंट होती है। 2021 में हमने देखा है कि जो कंपटीशन है थोड़ी सी वो लाइट होती है 2020 के कंपैरिजन में। इस मार्क्स के नीचे, मतलब 642 के नीचे 2020 में ज्यादा कंपटीशन थी, मगर इस साल थोड़ी सी कम कंपटीशन है 2020 के कंपैरिजन में। और फिर ये कंपटीशन कहाँ पे बढ़ती है, फिर ये कंपटीशन बढ़ती है 445 मार्क्स से नीचे। तो 445 मार्क्स से नीचे जैसे जैसे आप जाएंगे आपके लिए ज्यादा कंपटीशन है एज कंपेयर टू 2020 के कंपैरिजन में। अब लास्ट ईयर एक और बात थी, लास्ट ईयर जब काउंसलिंग हो रही थी तो हम एक वर्ज पे थे कि 2021 की जो नीट यूजी की एग्जाम है वो ऐसा स्पेकुलेशन लगाया गया था लास्ट ईयर की काउंसलिंग में। लास्ट ईयर की जो काउंसलिंग थी वो ऑलरेडी डिले हो चुकी थी, जिस वजह से ये सोचा समझा जा रहा था कि 2021 की जो एग्जाम होगी वो ज्यादा डिले नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ड्रॉप भी ले रहे थे, कुछ ड्रॉप ले रहे थे। मतलब कौन से स्टूडेंट्स ड्रॉप ले रहे होंगे, जिन्हें प्राइवेट या महंगी सीट्स मिल रही थी उन्होंने ड्रॉप लिया था इस वजह से कि 2021 की जो एग्जाम है वो ज्यादा डिले नहीं होगी, वो 4-5 महीने में ही एग्जाम हो जाएगी और हमें सस्ती या बेटर कॉलेज मिल सकती है, ऐसा स्पेकुलेशन 2020 में लगाया जा रहा था। मगर अब जब एग्जाम ऑलरेडी डिले हो चुकी है और एक बार फिर से स्टूडेंट उसी मझधार में फंसे हुए हैं कि अब जो है इस साल की कंपटीशन वो प्राइवेट के लिए भी बढ़ी हुई है, गवर्नमेंट के लिए भी बढ़ी हुई है, तो ऐसे में स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, ये स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रही है। तो ये बात है, जैसा मैंने आपको बताया कि वो लेवल्स वो 440 के नीचे ज्यादा कंपटीशन है, 642 के ऊपर ज्यादा कंपटीशन है, और 640 से लेकर के 445 तक के बीच में जो कंपैरिजन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लाइट कंपटीशन है। तो इसी पे नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो कट ऑफ के ऊपर में बनाएंगे कि क्या कट ऑफ जा सकती है, जहां तक कि ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको कट ऑफ बताऊं तो लगभग लगभग जो 2020 की कट ऑफ गई थी वही कट ऑफ 2021 में भी जाने वाली है। अगर ओबीसी इम्प्लीमेंटेशन होती है, ओबीसी रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है तो अनरिजर्व कैटेगरी को नुकसान है मगर ओबीसी कैंडिडेट्स को फायदा है। थैंक यू सो मच।